अपहरण लूट राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम व महादेव ऐप मामले में लंबे समय से फरार चल रहे वैशाली नगर थाना क्षेत्र के कुख्यात आरोपी दीपक नेपाली को अंततः क्राइम ब्रांच और वैशाली नगर पुलिस की संयुक्त टीम ने मंगलवार को देर रात गिरफ्तार कर ही लिया। दीपक नेपाली सीधे दुबई में बैठे सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के संपर्क में थे। दुर्ग पुलिस और क्राइम ब्रांच को दीपक को कई महीने से तलाश किया जा रहा था। इस दौरान उसके कई ठिकानों पर छापेमारी भी की गई थी, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। दीपक नेपाली सिर्फ महादेव ऑनलाइन सट्टा खिलवाने के लिए फेमस नहीं है, बल्कि उसके खिलाफ दुर्ग जिले के कई थानों में जानलेवा हमला, लूट, डकैती और अपहरण समेत कई मामले दर्ज हैं। इसके साथ ही उसके ऊपर अवैध गांजा और शराब तस्करी का भी आरोप है। दुर्ग पुलिस ने एक दीपक कुमार सिंह उर्फ दीपक नेपाली नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जिस पे के मामला दर्ज हुआ था। ये अपराधी इस पे वैशाली नगर थाना के अंतर्गत कुल 13 अपराध पंजीबद्ध हैं, जिसमें के लूट, मारपीट, अपहरण तथा अन्य धाराओं के अंतर्गत जो कि वांटेड था, जिसमें के इसके खिलाफ केस रजिस्टर्ड थे। इसके अतिरिक्त इसकी जामुल और भिलाई 3 थाना जो है उसमें भी महादेव ऐप से जुड़े हुए कुछ प्रकरण इस पे पंजीबद्ध हैं। तो ये दुर्ग पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। ये करीब 2 महीने से फरार चल रहा था। इसको बड़ी ही मुशक्कत से, काफ़ी मेहनत के साथ वैशाली नगर और क्राइम ब्रांच की टीम ने संयुक्त अभियान चलाकर इसको पकड़ा है। तो मुझे उम्मीद है कि इसके अतिरिक्त और भी जो फरार अपराधी हैं इस तरीके के, उन सभी पे दुर्ग पुलिस अच्छी कार्रवाई लगातार करती रहेगी।